इस क्वेश्चन में लिख रखा है कि थिन डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड कन्वर्जिंग मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर अपार्ट कोएक्सियली वेयर शैल एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज विल कोइंसाइड। इसके अंदर सुनिए आप, यहां पर एक थिन डाइवर्जिंग लेंस है, यहां पर एक तो है डाइवर्जिंग लेंस ऐसे, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, यहां पे फोकल लेंथ है -20 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ, एक मिरर भी 10 सेंटीमीटर का, ये कन्वर्जिंग मिरर है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, कन्वर्जिंग मतलब कॉनकेव, और कॉनकेव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, यहां पे माइनस में ना, -10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ, एंड दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, ये 5 सेंटीमीटर एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर अपार्ट है। वेयर शैल एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज विल कोइंसाइड। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें, यहां पे कहां पे रखें ऑब्जेक्ट को, कि ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर जाए। देखो मान लो ऑब्जेक्ट को यहां रख देते यू डिस्टेंस पे, ठीक है ना। तो इसका तरीका पता क्या है कि आप एक काम करो, इसमें ये लाइट रे कैसे भी करके इसके ऊपर नॉर्मली डाल दो बस आप, ठीक है ना। लाइट रे कैसे डाल दो उसके ऊपर नॉर्मली, अगर इस मिरर को ये लगेगा कि मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आ रही है, कहाँ से आ रही है, सेंटर। तो एक रूल होता है कि अब जैसे कि मिरर है, मतलब मान लो ये मिरर है एक, ये इसका एफ है और ये इसका 2f है। अगर मिरर को ये लग जाए ना कि लाइट 2f से आ रही है ऐसे, तो ये लाइट नॉर्मली पड़ती है और अपने पाथ को रिट्रेस बैक करती है, नॉर्मली पड़ेगी मिरर पे। और जब लाइट नॉर्मली पड़ती है तो जैसे जैसे वो आई थी वैसे वैसे जाती है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, जैसे जैसे वो आई थी वैसे वैसे जाती है। तो इस केस के अंदर लाइट इसके ऊपर कैसे भी करके नॉर्मली डालो बस आप, और नॉर्मली कब लगेगी इसको, जब इसके लिए ऑब्जेक्ट, इसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर होगा, खुद से यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, 20 पे, तो यहाँ से कितने पे, 15 पे, यहाँ से कितने पे होगा ऑब्जेक्ट बताइए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ से 20 पे, तो यहाँ से कितने पे हो गया, 15 पे। ये 15 सेंटीमीटर पे जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, इसको ना ये लगना चाहिए इस मिरर को कि लाइट रे यहाँ से निकल के आ रही है ऐसे, तो फिर नॉर्मली पड़ेगी, नॉर्मली पड़ेगी तो अपने पाथ को रिट्रेस बैक करेगी। अब ये रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बनाता है, आपको पता है ये जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव लेंस है सॉरी, कॉनकेव लेंस क्या करता है बताइए, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, ये सारी दुनिया को पता है। अच्छा एक बार कंडीशन क्या थी बताइए, अगर कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में ब्रह्मास्त्र में क्या बताया गया था, ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक मूव करे, तो कोई बताया गया ब्रह्मास्त्र में रियल ऑब्जेक्ट में क्या थी कंडीशन, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आए तो इमेज क्या करेगी, इमेज F2 होगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, यही था ना इस केस के अंदर, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट होगा, ये इमेज यहाँ बन गई इसकी, मान लो वर्चुअल इमेज बन गई यहाँ पे और ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके लिए लेंस फॉर्मूला लगाओ आप, अप्लाई द लेंस फॉर्मूला फॉर दिस, लगाइए आप, सुन लो यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन यू प्लस का 1 बाई वी इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। यू की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, यू की वैल्यू तो निकालनी है आपको, विद साइन लिखना ही नहीं आपको, विद साइन अपने आप आ जाएगा। प्लस का 1 बाई वी, वी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, माइनस का 15 या प्लस का 15, माइनस 15 क्योंकि वर्चुअल इमेज बनेगी हमें पता है, यहाँ पे पीछे ही बनानी है, सेम जोन में बनानी है, इक्वल टू 1 बाई एफ, एफ की वैल्यू -20 आ जाएगी। ये माइनस माइनस प्लस कर दो आप, 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई 20, ये सारे प्लस ये हो चुके तीनों, अब ये 1 बाई 15 इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना आप, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो करके देख लेना आप, 60 आएगा, 3 माइनस 4 आएगा, 1 बाई यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 बाई 60, तो यू की वैल्यू आएगी माइनस 60, रियल ऑब्जेक्ट होगा 60 पे, ऑब्जेक्ट को 60 पे रख दो यहाँ पे, ऑब्जेक्ट 60 पे रखोगे ना तो ये लाइट रे बता गया ऐसे जाएगी, ऐसे आगे इस मिरर के ऊपर ऐसे नॉर्मली पड़ेगी, इसको ऐसे लगेगा यहाँ से आ रही है और ये रिट्रेस बैक हो के यहीं पे इमेज बन जाएगी ऐसे केस में। ये लाइट रे ऐसे गई डाइवर्ज होगी, मतलब डाइवर्ज होगी तो यहाँ से आती हुई इमेज बनेगी पीछे की तरफ, यहाँ पे वर्चुअल इमेज दिखेगी, और ये लाइट रे इसके ऊपर नॉर्मली ही पड़ेगी और यहाँ से आती हुई नजर आएगी इस मिरर को, नॉर्मली पड़ेगी तो ये अपने पाथ को रिट्रेस बैक भी कर जाएगी इसी रास्ते से और यही इमेज बन जाएगी फाइनली। तो ऑब्जेक्ट 60 पे होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ये आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया आपको, कोई डाउट है किसी के मन में, कुछ पूछना है इस बारे में किसी को,